अवामी प्रेस क्लब खिचीवाला में मोहम्मद साजिद को टुडे न्यूज चैनल के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर बनने पर मुबारकबाद पेश की गई और माला पहनाई गई और ढेरों दुआएं दी, जिसमें खिचीवाला प्रेस क्लब सदर तनवीर अरशद, चेयरमैन हाजी अशरफ हयात, जनरल सेक्रेटरी जुल्फकार अली गुराया, नायब सदर मोहम्मद फैसल समेत दीगर प्रेस क्लब इमरान ने शिरकत की और मोहम्मद अकमल चेयरमैन यूनियन काउंसिल 95 हारून आबाद ने टुडे न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ने बल्दियाती निजाम खत्म करके इलाकाई मसाइल में इजाफा किया है, तरक्याती मनसूबे ठप पड़े हैं। हुकूमत को चाहिए कि पुराना बल्दियाती निजाम बहाल किया जाए या नया बल्दियाती निजाम मुतारिफ कराया जाए ताकि अवाम के छोटे बड़े मसाइल अपनी दहलीज पर हल हो सके। पहली हुकूमत के दौर में हमने थोड़े अरसे में बहुत से तरक्याती काम करवाए, आइंदा भी मौका मिला तो अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरे। आवाम दलील हो रही है, हमारे पसमानदा इलाके हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल है, बिजली के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा, कितने भी कोई कह सकता है। हमारे MLA हजरात जब भी नए आए हैं इलेक्शन लड़के, इलाके का कोई उन्होंने कोई काम वगैरह इलाके में आए ही नहीं। बागपतन दरिया सतलुज पर 10 साल कबल एक अरब रुपए से बनाया जाने वाला बाबा फरीद ब्रिज वक्त के साथ साथ अपनी अफारियत खोने लगा। टूटी सड़कें बागपतन और भावनगर के मकीनों का सरदर्द बन गई। मजीद जानते हैं PTC की इस रिपोर्ट में। बागपतन और पहावल नगर के मकीनों को मंडियों तक रसाई के लिए 10 साल कबल दरियाए सतलुज पर 1 अरब रुपए की लागत से बाबा फरीद ब्रिज तामीर किया गया। दो इजला के दरमियान मशी हुब की हसीियत रखने वाला ब्रिज रब्ता सड़कें ना होने के बाइस अपनी अफादियत खोने लगा है। अहले इलाका का कहना है कि हकूमत फौरी तौर पर ब्रिज के लिंक रोड की तमीर का आगाज करे। दरिया सतलुज दे मिंचनाबाद दी पुल बनने ते 1 अरब रुपया खर्चा है और जिंदी वजह सड़क ना होने की वजह तो अज जो 1 अरब रुपया जोड़ा है वह आवाम का जाया हो चुका है, लिहाजा इस सड़क न बना के रास्ता अख्तियार किया जाए। किसानों के मसाइल कम करने के लिए बने ब्रिज की टूटी सड़कें किसानों को इजनास मंडियों तक पहुंचाने में शदीद परेशान करती हैं। बाबा फरीद पुल जो जिला बागपतन और जिला भावनगर को आपस में मिलाता है, आज से 10 साल पहले 1 अरब रुपए की लागत से तामीर किया गया, लेकिन बदकिस्मती से उसकी राबता सड़कें तामीर ना की गई, जिसकी वजह से मकामी तौर पर जो काश्तकार हैं उनको मंडियों तक अपनी फसल नहीं पहुँचाई जा सकती और ये पुल जिला बागपतन और जिला भावनगर के लिए मुआशी हब की हैसियत रखता है, लेकिन 10 साल से 1 अरब रुपए का बना हुआ पुल अपनी अफादियत खो रहा है। गवर्नमेंट से मुतालबा है कि फौरी तौर पर इसकी राबता सड़कें बनाई जाएँ ताकि जो कौम का 1 अरब रुपए लगा है उसका सही तौर पर ये दोनों जिला फायदा उठा सके। फरीद ब्रिज की राबता सड़कें बनने से जहां बागपतन और बहावल नगर के मकीन खुशहाल होंगे, वहीं किसानों की परेशानियां भी कम होंगी। कैमरा टीम के हमरा पीर तौसीफ रमजान, टुडे न्यूज बागपतन। और मंडी बहावती नामालूम आतिशजदगी से घर का सामान और बच्ची का जहेज जलकर खाकस्तर हो गया। मुश्ताक अहमद नामी आदमी जो किसी होटल पर टेबल मैन की मुलाजमत करके किराए के घर में वाकई अरशदाबाद अपने मासूम बच्चों के साथ गुजर बसर करता, गुज़श्ता रात बीवी से बच्चों समेत रिश्तेदारों के पास गया था। वो अहले खाना की गैर मौजूदगी में घर में आग लग गई। पहरेदार ने देखा तो रेस्क्यू 1122 को कॉल की। रेस्क्यू टीमों ने बरवक्त इकदाम पर दीगर घर और दुकानें महफूज कर ली, लेकिन मुश्ताक अहमद नहायत गरीब आदमी है, किराए के मकान में रहाइश पजीर है, जिसकी बच्ची का जहेज भी बीमा घरेलू सामान मुकम्मल तौर पर जल गया। ताहम आतिशबाजी की वजह से मालूम नहीं हो सकी। मुश्ताक अहमद के अरबाब इख्तियार से अपील है इसकी मदद की जाए। आरफ वाला थाना कटोला की हदूद अड्डा जाम के नजदीक मोटरसाइकिल सड़क नारे खड़े ट्रैक्टर से टकरा गया। मोटरसाइकिल सवार बशीर अहमद को तश्वीशनाक हालत में तबीयत दाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल लाया गया। जख्मों की ताब न लाते हुए बशीर अहमद जिंदगी की बाजी हार गया। बागपतन कैप्टन सफदर और जवेद लतीफ की बागपतन आमद के मौका पर सैकड़ों कारकुनों के हमरा रैली, रहनुमाओं को दरबार बाबा फरीद पर लाए। दरबार पर हाजिरी के बाद वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। खताब में कहा कि मुल्क का मीडिया बिक चुका है, कठपुतली हुकूमत ने सच बोलने और लिखने पर पाबंदी लगा रखी है। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को भी एक जज ने प्रेशर में फांसी दे दी थी। कादियानियों के खिलाफ बोलने पर सजा दी गई। हतम नबूवत पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं होगा। दरबार हजरत बाबा फरीदगंज शकर के शहर में 2 अगस्त को अवाम फैसला करेगी। उबल वतनी सियासतदानों को जेलों में डालकर दिन दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई हो रही है। पाकिस्तान के साथ जो ज्यादतियां हो रही है
इसके निजाम के साथ जो ज्यादा हो रही है, इसकी इदारों के जज खुद दे रहे थे, हमें अंडर प्रेशर करके फैसले दिलवाए जा रहे हैं। हम सब जितने हमारे अहदेदारान हैं, जितने हमारे वोटर्स हैं, ये उन सबका फर्ज होगा। अगर 2 अगस्त फाइनल हो गया तो शायद रहीम यार खान रसूलपुर जमावा के कश्ती से गिरकर कमसन बच्चा जा बहक दरियाई नाला जमावा में बसी सियाला के लोग पुल ना होने की वजह से कश्ती का इस्तेमाल करते हैं। कश्ती में ज्यादा मुसाफिर सवार होने से कश्ती इशकोले खाने लगी। कश्ती में सवार कमसन बच्चा भोरा कश्ती से गिरकर डूबकर जा बहक हो गया। मुकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत बच्चे की लाश को पानी से निकाल लिया। बाद पुलिस भी मौका पर पहुँच गई। मुकामी लोगों का सियासी नुमाइंदों के खिलाफ शदीद एहतजाज। चिश्तिया महकमा एंटी करप्शन कार्रवाई चीफ है चीफ ऑफिसर रंगे हाथों गिरफ्तार। चीफ ऑफिसर शफीक के कब्जा से रिश्वत की रकम 50,000 रुपए बरामद कर ली गई। चीफ ऑफिसर ने म्यूनसिपल कमेटी के रिटायर्ड अहलकार से पेंशन पर दस्तखत करने की और रिश्वत ली। मजिस्ट्रेट अली जाबे एंटी करप्शन की टीम के हमराह थे। मुलजिम को अदालत में पेश कर दिया गया और महकमा एंटी करप्शन ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। सर मैं 7 महीनों में रिटायर हुई, मैं बल्दिया के मुलाजम एक बेलदार में सारी उम्र नौकरी की थी। मैंने कोई मिनट कर ले करते 7,18,600 रुपये चेक लिया। आडिट अफसर मेरे को 41,000 रुपया लिया। मुनव्वर रऊफ ने चीफ अफसर बल्दिया चिश्तियां उन्हें मेरे को 50,000 रुपया चट्टी ली। उस मैं उन्होंने फड़ाता है अगे हम अल्लाह जाने कुछ देखी जाए। आरफ वाला थाना सदर के डीबी में मुझे सेहत कोल्ड ड्रिंक पीने से 3 गमसुन बच्चियां जा बहक। एक बच्ची की हालत नाजुक। शादी वाले घर में 4 गमसुन बच्चियां दुल्हन देखने गईं। करीबी दुकानदार से कोल्ड ड्रिंक मंगवाई, बच्चियों के पीते ही हालत गैर हो गई। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 6 साल मरियम और फातिमा अस्पताल में दम तोड़ गई। तश्वीशनाक हालत में सहीवाल रेफर कर दिया गया। 2 बच्चियाँ फातिमा और मंच अस्पताल पहुँचे जिंदगी की बाजी हार गयी। मरने वाली 3 बच्चियों की उम्रें 5 से 6 साल तक हैं। 4 साला सायरा डॉक्टर बशीर अहमद को हालत नाजुक होने के बाद लाहौर रेफर कर दिया गया। शादी सकलैन नामी नौजवान की थी। दुकानदार जरूरकार उर्फ भुट्टो फरार हो गया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने दुकान सील कर दी। बहरावाला हुसैन बीबी ट्रस्ट ने चक नंबर 176 मुराद में आवाम की सहूलत के लिए जदीद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का अफ्तिताह कर दिया। अफ्तिताही तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर मोहम्मद शेव खान जदून ने एसी चिश्तियां सरमद हुसैन थे। 5 साल के खलील अरसा में हमारा ट्रस्ट पसमंदा इलाकों में 18 फिल्ट्रेशन प्लांट लगा चुका है, जिससे लाखों अफराद साफ पानी से मुस्तफीद हो रहे हैं। हमें नेकी के काम करने वाले NGO की हौसला अफजाई करनी चाहिए। हम गाँव जाकर कोली की चहरियाँ लगाकर लोगों के मसाइल की दहलीज पर हल करेंगे। इसी मुकाबला सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मौजीन इलाका चक 176 मुराद के बासी और मीडिया के नुमाइंदों की कसीर तादाद मौजूद थी। साथ ही साथ मुझे इस इनॉग्रेशन की वजह से आपके इस इलाके में आने का मौका भी मिला है। तो मैंने देखा है कि जी जिस बाजार को मैंने क्रॉस की उसकी कोई बहुत अच्छी हालत नहीं है। मुजफ्फरगढ़ डेरा गाजी खान रोड थर्मल बाईपास के करीब ट्रक के तेज रफ्तार ट्रक ने नाका लगाए। महकमा एक्साइज की खड़ी गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे ट्रक ड्राइवर की लापरवाही और बरवक्त ब्रेक ना लगने के बाइस पेश आया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर की मौका से फरार होने की कोशिश नाकाम। हादसा इतना शदीद था कि एक्साइज अहलकार का जिस्म 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। रेस्क्यू 112 मुजफ्फरगढ़ की एम्बुलेंस का जाए हादसा पर बरवक्त रिस्पॉन्स। पूरी महकमा एक्साइज अहलकार की लाश को डेड बॉडी शीट से कवर करते हुए एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दिया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर हादसे की कार्रवाई शुरू कर दी। और इस्लामिक फौजी इतिहाद ब्राय इंसदाद दहशतगर्दी के जेरे तमाम रियाज के MCTC के हेड क्वार्टर में इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ 2वीं महाना सेमिनार का इनकाद हुआ। पाकिस्तान की जानब से सेमिनार में सऊदी अरब में साबिक पाकिस्तान सफीर नायब एडमिरल रिटायर्ड और इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के सदर खान हिशाम बिन तदीक ने खताब किया। सेमिनार में पाकिस्तान, सऊदी अरब और मुतहदा अरब अमारात, कुवैत, अमान, बहरीन, मिस्र समेत 16 ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत की। राहील शरीफ और फोर्स कमांडर IMCT से भी मुलाकात और दहशतगर्दी के खिलाफ इदारे के अहम किरदार की तारीफ की। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान अमेरिका से वापसी कतर पहुंच गए। वजीर आजम पाकिस्तान कतरी हम मनसब अब्दुल्ला बिन नसर बिन खलीफ अल सानी की दोहा कतर में कतरी वजीर आजम की रहायश गाह पर मुलाकात में दोनों बरादर मुल्कों की देराना दोस्ती और बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत।